हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो फ्रेंड, तो आज मेरा यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में मेरा यहाँ पे लगभग 8,000 के आसपास यहाँ पे कॉइन पूर चुका है। मैं आप लोग को आज लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजन का गिफ्ट कार्ड को यहाँ से रिडीम करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन पर चले जाइएगा, आपको हाईलाइट हो गए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे रिडीम का ऑप्शन पर जाइएगा, जितना भी आपके पास पॉइंट है उसके अनुसार आप लोग यहाँ अमाउंट चूज कर लीजिएगा। तो मेरे पास अभी 500 तक का यहाँ पे रिडीम कर पाएंगे, तो सिंपली 500 तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिडीम ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया होम पेज ओपन होकर जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे रिडीम रिवॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे रिडीम रिवॉर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा कंफर्म के लिए। सिंपली आपको कंफर्म रिवॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे रिवॉर्ड कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं, ओटीपी थ्रू वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फोन नंबर क्लिक करते हैं। जैसे फोन नंबर क्लिक करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखते हैं ईमेल आई डी का। चलिए तो चलिए सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए इसका कोड चले गया, तो सिंपली उस कोड को यहाँ पे डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोड डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आ गया। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम लोग वहाँ पे चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए आ गया। चलिए यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे डाल देंगे और उसको यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई हम लोग यहाँ पे जैसे कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखते हैं वेरीफाई हो चुका है। और इसको यहाँ पे गेट इट नो पे क्लिक करते हैं। चलिए नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। नो थैंक्स जैसे हम यहाँ कर देते हैं क्लिक, ये सिंपली हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हो गया, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसको यहाँ पे रिकवरी ईमेल बोल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐड ए फोन नंबर पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो चलिए सभी लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। तो देखते हैं मैंने यहाँ पे फोन नंबर डाला, चलिए इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और उसी ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखते हैं अब मेरे को यहाँ पे ओटीपी होने वाला है। अब यहाँ पे पूरा फुल प्रोसेस देखिएगा, तभी आप लोग आसानी से इसमें आप लोग कर पाइएगा। चलिए ओटीपी आ गया, इसको कॉपी करके चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे इसको नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे देखते हैं, वो यहाँ पे आपको अकाउंट का पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट का पासवर्ड डाल के इसको नेक्स्ट कर। तो चलिए हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जैसे कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई कर लेगा। तो चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब इसको हम लोग ऑटोमेटिक ये रिवॉर्ड जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हो गया, आपको दिखाई देता है फ़ोन नंबर ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं ऐड हो चुका है। तो चलिए हम लोग सिंपली इसको क्या कर पाएंगे, चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं। जैसे अब आप लोग वहाँ पे फोन नंबर ऐड कर लीजिएगा। फोन नंबर ऐड करने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पे होम पेज पा जाइएगा। आप उसके बाद रिडीम का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। रिडीम का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे जैसे कर लीजिएगा, चलिए हम लोग वही प्रोसेस शेयर करते हैं। रिडीम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, रिवॉर्ड रिडीम को यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग कन्फर्म रिवॉर्ड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम कन्फर्म रिवॉर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे कन्फर्म रिवॉर्ड पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म रिवॉर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही मोबाइल नंबर अपडेट कर चुका, मतलब ऐड कर चुका। तो चलिए यहाँ पे सेंड नो पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके सामने यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। तो देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो चुका है। तो चलिए कुछ भी देख सकते हैं, ओटीपी सेंड हो चुका है। तो ओटीपी सेंड होने के बाद ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ओटीपी आए, चलिए इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। 6 डिजिट का ओटीपी होगा, इसको डाल के आपको यहाँ पे कंप्लीट माई ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग ओटीपी डाल के कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड जो है आपका ईमेल आईडी पे आ जाएगा, या तो इंस्टेंट आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं बोल रहा है गलत, तो चलिए हम इसको ओटीपी को डाल देते हैं। आपको यहाँ पे कॉपी करके नहीं डालना है, आपको लेटर वाइज लेटर डालना है। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं मैसेज में क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे कॉपी करके नहीं डालना, आपको लेटर वाइज लेटर डालना है, तब आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा ओटीपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे 24 घंटा के अंदर बोलता है आपका यहाँ पे गिफ्ट कार्ड आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक हेयर। तो यहाँ पे हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेंड हो चुका है, यहाँ पे आपका कोड भी आ गया। तो यहाँ पे गेट कोड को करके आप लोग यहाँ से कोड भी ले सकते हैं। सब कुछ आ गया, हम अभी इसको इंस्टेंट अभी रिडीम कर लेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। तो चलिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पूरा चीज़। तो देख लीजिए मैं यहाँ इसको कॉपी कर लिया हूँ गिफ्ट कार्ड को। चलिए मैं अमेजन में चले जाता हूँ आपके सामने में लाइव अभी।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अमेजन में मैं चले आया। अमेजन में आने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा ऐड ए गिफ्ट कार्ड, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड ए गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अमेजन पे बैलेंस में जाते हैं। अमेजन पे बैलेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ए गिफ्ट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ सर्च लेगा, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। तो चलिए इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऐड ए गिफ्ट कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोग जो वहाँ कॉपी किए हैं गिफ्ट कार्ड को, चलिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले से 100 है, तो चलिए इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड ए गिफ्ट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे 500 का गिफ्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हो गया। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इसमें रिडीम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।